Namaskar and a very good evening. On behalf of Inner Courtyard, it gives me immense happiness to welcome you all to introductory session of Arts and Hearts in form of a dialogue, ek samvad ke roop mein, with eminent scholar Dr. Shri Gautam Chatterjee. Dr. Chatterjee wears many feathers in his cap. A philosopher, a teacher, poet, author, a cinematographer. He has created a series of visual poetry. His film Kuhasa has been recently awarded. He has translated Tantralok, a magnum opus by Tantric Abhinav Gupta from Sanskrit into English. Aap Pandit Ishwar Chand Vidyasagar ke vanshaj hain. Gautam ji, we are indeed honored to have you with us today. मेरा प्रणाम स्वीकार करें. We have Dr. Suruchi Mohta here, and on behalf of all the viewers today, we both will be asking Dr. Chatterjee to express his views on various manifestations of art and what is the relationship of art with life. तो क्या कला द्वारा हम सृष्टि को करीब से समझ पाते हैं? कोयल की कुहू, बारिश की पहली बौछार, प्रकृति के अनगिनत रूप, रस, रंग हमें बरबस अपनी ओर खींचते हैं. मैं समझती हूँ एक प्यास है हर मनुष्य के मन में, जो कभी संगीत के स्वरों से झंकृत हो उठती है, कभी नर्तन करना चाहती है, कभी प्रकृति को कैमरे में कैद करती है, उसके रंगों को कैनवस पर उतारती है, काव्यमय शब्दों के रस के घूट घूट पीना चाहती है. बल्कि कला सिर्फ सौंदर्य नहीं, अपने एक्सप्रेशन अपने हर एक्सप्रेशन हर इमोशन को एक्सप्रेस करने का भी, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, उसका एक तरीका है. सो व्हेन मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन आवर एक्सप्रेशंस आर हाइटेंड, एक ऐसा क्षण आता है, देयर इज अ मोमेंट व्हेन वी बिकम वन विद नेचर. सो इज अप्रिसिएशन ऑफ नेचर, डिजायर टू बी वन विद नेचर, स्पिरिचुअलिटी? हमारे पास तो अनेक प्रश्न हैं ही. व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू सेंड योर क्वेश्चंस फॉर गौतम जी ऑन द चैट बॉक्स एंड वी विल आस्क हिम द क्वेश्चंस. बट बिफोर वी बिगिन, आई रिक्वेस्ट सुरुचि जी टू एक्सप्लेन द मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम टू आवर व्यूअर्स. सुरुचि जी बताइए. अ वेरी वार्म वेलकम एंड नमस्ते टू गौतम जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू नंदिनी जी. आपने अभी बहुत ही सुंदर बात कही एक, कि कोयल की कुहू सुनकर हमको अच्छा लगता है. हम जानते नहीं कि क्यों अच्छा लगता है, मगर अच्छा लगता है. और मैं इस वक्त सोच रही हूँ कि अगर हमको उसकी भाषा भी समझ में आती तो हमको और कितना सुख होता. तो मेरे ख्याल से कि आज का ये जो उपक्रम है हमारा आवर्तन, इसमें हम यही कोशिश करना चाह रहे हैं कि जो सारे डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ आर्ट हैं, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ऑल अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड अदर फाइन आर्ट्स, उसको हम किसी ना किसी तरह से, आई एम वेलकमिंग ऑल आवर लवली पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम आर आइदर प्रोड्यूसर्स ऑफ आर्ट और कंज्यूमर्स ऑफ आर्ट. या तो वो स्वयं ही कोई आर्टिस्ट है या सिंगर है, डांसर है, और नहीं तो उनको अच्छा लगता है ये जो अच्छे लगने वाली बात. तो क्यों ना हम इस पूरे आवर्तन के जो वर्कशॉप है उसमें ये सारे फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक्सप्लोर करें. आज हम इस तरह से चलेंगे कि सबसे पहले नंदिनी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप एक जनरल प्रश्न हम लोग पूछेंगे गौतम जी को, कि दैट व्हाई आर्ट और व्हाटएवर, जीवन का और आर्ट का संबंध, और उसके बाद में हर एक आर्ट के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, ताकि ऑल ऑफ देम आर कवर्ड टुडे एंड देन इन द सब्सिक्वेंट सेशंस, उसका सारा मेला सबको आता रहेगा, उसमें ये होगा कि हम कौन से पर्टिकुलर आर्ट को एड्रेस करने वाले हैं उस दिन. तो नंदिनी जी, बैक टू यू. सो गौतम जी, आई बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग. तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इस कला श्रृंखला का नाम रखा है आवर्तन,
तो आवर्तन क्यों और कला के संदर्भ में आप आवर्तन को कैसे परिभाषित करेंगे? तो उससे भी पहले कि हम जान सकते हैं कि एवरीबॉडी इन, सभी लोग यहाँ हैं, हाँ, जाना जा सकता है? Yes, everybody is in. Yes. What about 32 participants? Everybody is wonderful. मेरा सवाल है कि क्या सभी लोग यहाँ हैं? क्योंकि हम लोग जहाँ होते हैं शारीरिक रूप से तो होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है, सोच रहे होते हैं हम लोग, है ना? तो इसलिए मैंने सबसे पहले जानना चाहा क्या हम लोग यहाँ हैं या एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, या मिलियंथ ऑफ एक सेकंड, क्या हम लोग यहाँ हो सकते हैं? क्योंकि हम लोग जिसको सेकंड या मोमेंट कहते हैं, इंस्टेंट कहते हैं, संस्कृत में इसको क्षणम कहा गया है, वो मिलियंथ ऑफ ए सेकंड होता है, और हम लोग उतनी देर भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं. तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या सभी लोग यहाँ हैं. उसके बाद जो अगला जो मुझे सिखाया गया है वो परंपरा में, वो ये है कि जितने भी लोग हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ उस परंपरा की ओर से जिसे हमारी गुरु परंपरा कहते हैं. जो गुरु परंपरा पूरे विश्व की एक परंपरा रही है जिसको हम लोग ऋषि परंपरा कहते हैं. भारत में इसको ऋषि या जो ट्रेडिशन ऑफ द सीयर्स कहते हैं, सीयर्स एंड मंक्स, भारत के बाहर इसको ट्रेडिशन ऑफ द स्टोइक्स कहते हैं, जो ग्रीक स्टोइक्स हुए हमारे यहाँ विश्व में वो, और हमारे यहाँ जो भारतीय ऋषि मुनि हुए हैं. ये जो विद्वत परंपरा है विश्व विद्या वांग्मय में, जो हमारी विद्वत परंपरा है, उन सबको प्रणाम करते हुए उनकी ओर से आप सभी का अभिनंदन करते हैं. अब इसके बाद आता है ये आवर्तन शीर्षक. तो आवर्तन एक वोकैबुलरी है, एक टेक्निकल टर्म है डांस का. जब कोई डांसर एक पूरा चक्कर घूमता है तो उसको आवर्तन कहते हैं डांस में. ये डांस के जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे फोक हो या क्लासिकल, उसमें ये टर्म है. और हमारे यहाँ ये भी माना गया है दर्शन में, दृष्टि में, कि भारत के बाहर की जो सोच है वो लीनियर है, उनका जो नॉलेज है उसमें कोई व्यक्ति कुछ. एक मिनट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन कुछ दर्शक कह रहे हैं कि आवाज आपकी पूरी नहीं पहुंच पा रही है. तो अच्छा जी, उसको मैं कोशिश ये कर सकता हूँ कि अपने मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ा दूं, जो कि बढ़ा हुआ है, और इसको मैं बिल्कुल पास में रख लूं. अब ठीक है जी? अब ठीक है, आवाज आ रही है साफ? बस हमको बताएंगे. Is it better? It's very clear. अभी ये बेटर हुआ क्या? हाँ जी. अभी ये बेटर हुआ? हाँ जी. तो जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आवर्तन शब्द है, आवर्तन एक टेक्निकल टर्म है. एक राउंड जब पूरा कंप्लीट होता है तो उसको एक आवर्तन बोलते हैं, है ना? और डांस में जब कोई एक एक बार पूरा घूम लेता है तो उसको एक आवर्तन कहते हैं, दो आवर्तन, इसी से चक्कर भी बोलते हैं आम भाषा में. जो शास्त्रीय भाषा है वो आवर्तन है, और जो हमारे गुरु शिष्य उस्तादी परंपरा है उसको चक्कर बोलते हैं. उसमें चक्करदार परन वगैरह भी है कथक में, तबले में. तो ये चक्कर ही एक आवर्तन. अब हमारे यहाँ हमेशा से ईस्ट और वेस्ट की दृष्टियों में फर्क आता रहा है. वेस्ट की जो दृष्टि है वो लीनियर है. कोई व्यक्ति कोई चीज बताता है तो उसके आगे कोई और व्यक्ति आता है, उसमें और जोड़ता है. जैसे मान लीजिए कि कोपरनिकस ने कहा कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो गैलीलियो ने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है. तो वहां का जो नॉलेज है इस अर्थ में लिमिटेड है, क्योंकि वो लीनियर है. कोई आएगा और जोड़ेगा. भारतीय जो दृष्टि है वो साइक्लिक है, सर्कुलर है, राउंड में पूरा. आप कहीं से भी कोई कहानी आपको शुरू करनी हो, आप शुरू के लिए सोचिए मत, आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए, वो उन सब चीजों को टच कर लेगी जो कहानी के तत्व हैं. How beautiful. हमारे यहाँ ये आरंभ नहीं किया जाता है कि आप कहाँ से आरंभ करें, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से प्रस्थान होता है. इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों को प्रस्थान कहा गया है, प्रस्थान त्रयी कहा गया है. उपनिषदों को और ब्रह्मसूत्र को, महाभारत को प्रस्थान त्रयी, क्योंकि वो प्रस्थान बिंदु ऑलरेडी हो चुका है, हम प्रस्थान कर चुके हैं. इसलिए आरंभ नहीं होता है, वो हमेशा साइक्लिक है. हम लोग आज भी जब ये बात कर रहे हैं
तो ये कहीं कहीं से पहले से आरंभ हो चुका है, जिसमें हम लोग जब आए हैं तो ये प्रूफ हो रहा है या मैनिफेस्ट हो रहा है कि हम लोग इसमें हैं और आरंभ कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये बात है। तो आवर्तन का मतलब तो सिर्फ इतना ही हुआ कि जो भी हमारी जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है, वो अनएंडिंग बिगिनिंगलेसली है और इसलिए एंडलेसली है। तो गौतम जी, कला की क्या जरूरत है जीवन में? हाँ, इस प्रश्न को पूछने से पहले मैं बिल्कुल अभ्यस्त हूँ ये पूछने का कि हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जीवन की क्या जरूरत है या जीवन हमें क्यों मिला है, ये पहले हम लोग समझ लें, तो फिर कला की जरूरत की बात पूरी हो जाएगी। जैसे अभी नंदिनी जी कह रही थी कि क्या कला जो है वो प्रकृति को समझने में, प्रकृति के सौंदर्य को देखने में, प्रकृति के रहस्य को समझने में, कोयल की कूक को समझने में मदद करती है, है ना? यानी कि हम अपने और कोयल के बीच में कुछ लाना चाहते हैं। True. तो आर्ट को भी लाने से पहले मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमें अपने और जो वॉट इज है सामने, उसके बीच में किसी भी चीज को लाना चाहिए, अपने ओपिनियन को, अपने नोशन को, अपने विजन को, अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी ईगो को। क्या ये उससे भी अच्छा सवाल नहीं होगा ये पूछना कि क्या मेरे और वॉट इज के बीच में ऐसा हो सकता है कि ये कुछ भी ना आए और हम उसको बिल्कुल नेकेड आई से देखें? ये एक सवाल पूछा जाना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो कैसे संभव हो पाएगा? ये इसीलिए जीवन पे पहले आने की जरूरत है, क्योंकि तब हमें लगेगा कि जो बाहर का मैनिफेस्टेशन है वो हमारा ही मैनिफेस्टेशन है और हम वी आर नॉट लिविंग इन द यूनिवर्स बट वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो फोर्स एनर्जी काम कर रही है, जो सूरज और चांद को, जो समुद्र और नदियों और सब चीजों में एक मूवमेंट चल रहा है, जो काम जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो हमें भी कर रहा है, सेम फोर्स सेम एनर्जी। ये हम तभी समझेंगे जब हम खुद को यूनिवर्स का पार्ट माने। यूनिवर्स में है ऐसा नहीं, में होने पर ही मिल जाएगी मैं और नदी, मैं और जंगल, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काटूंगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें कि पूरी यूनिवर्स को कोई संचालित कर रहा है, मैं उसका पार्ट हूं, तो फिर सेंस ऑफ सेपरेशन चला जाता है और लगता है कि कोई एनर्जी है जो चीजों को रेगुलेट कर रही है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ नेचर को समझने का या कोयल की भाषा को समझने का, क्योंकि वो हमसे अलग है, मैं उससे अलग नहीं हूं, उसमें दृष्टा और दृश्य अलग अलग नहीं है। लेकिन फिर भी हमको दुनिया दिखती है ना, हमें आप जो कह रहे हैं वो मुझे बात समझ में आ रही है, शब्दों में बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी हमें ये डिस्टेंस क्यों लगता है? हम उसी को शो करने जा रहे हैं, जो मैंने कहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको शो किया जाए, है ना, ताकि ये सबका रियलाइजेशन हो जाए कि हम हमेशा चीजों को किसी ओपिनियन के तहत या किसी माइंड के तहत, किसी इंटेलेक्ट के तहत या अपने मेरे पास जो ज्ञान है उसके तहत ही देखते हैं। और ये साइंटिफिक है, ये प्रैक्टिकल है। हमने सवाल पूछा, क्या हम इसको एक तरफ रख सकते हैं, putting aside all those knowledge, all notions, all our mind, is it possible to look at what is as it is? क्या ये सवाल, क्या ये संभव है? पहले तो ये है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमारे अलावा पूरी यूनिवर्स को कोई गवर्न कर रहा है, हम उसके पार्ट हैं। उसके बाद ये थर्ड स्टेप ये आता है कि हम इसको भी ट्रांसेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसेंड नहीं कर सकते हैं तो फिर हम हमेशा नेचर के कंट्रोल में रहेंगे। नेचर के कंट्रोल में रहने का मतलब यह है कि जो हमारा माइंड है वो नेचर से गवर्न है। हम अपने माइंड से गवर्न होते हैं। हमारा मन कर रहा है कि अभी बात ना करें, हमारा मन कर रहा है कि अभी सो जाएं, हमारा मन कर रहा है कि कोई ऐसी चीज हम देखें या सुने जो एंटरटेनिंग हो, ये हमारा मन कर रहा है। तो ये हम मन की गिरफ्त में सारा जीवन रहते हैं और हमेशा खुशी, सुख और स्पिरिचुअल जो भी हमारा फैंटेसीज है उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, जो कभी पूरी नहीं होता है। और हम ये मान लेते हैं कि हम मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया है। तो ये सब माइंड के इल्यूशंस हैं। पूछे आपसे कि आर्ट के बारे में बात करते करते हम स्पिरिचुअलिटी की क्यों बात कर रहे हैं, जीवन की और
मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आर्ट की बात करें और उससे पहले जीवन को समझ ले तो आर्ट को समझना आसान हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जीवन का पर्पस अगर क्लियर हो जाए कि क्यों है तो हाँ। हम आर्ट के पर्पस को समझ सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन को समझने में क्या आर्ट मदद करता है? हाँ। यदि आर्ट मदद नहीं करता है तो आर्ट की कोई जरूरत नहीं। तो जीवन की समझ का क्या मतलब है? जीवन की समझ का मतलब यह है कि हाँ। क्या हमारे भीतर कोई डोर है जो खुल सकता है, जिसमें हम एक बेटर बीइंग के रूप में प्रकट हो सकते हैं? एक गौतम है तो बेटर गौतम अपीयर हो सकता है, क्या उसका संधान मिल सकता है? क्या इसको आर्ट हमें हेल्प करता है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इसको दो ही तरह से हेल्प मिल सकता है, एक लाइफ से और एक आर्ट से। आर्ट से जो हेल्प मिलता है वो लाइफ की तुलना में, लाइफ की स्पिरिचुअलिटी की तुलना में ज्यादा क्विक है, ज्यादा इमीडिएट है, ज्यादा आसान। अच्छा। तो हम लेकिन जो जितने हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट की बात करने वाले हैं, नृत्य की, संगीत की, सबकी, पर कहीं ना कहीं तो एक जगह सब जुड़े हुए ही है ना, सब पृथक पृथक थोड़े ही है सारे। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए को मैं कह रहा था कि हम जब अपने बेटर आई से मिलते हैं, अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हैं, तो पता चलता है जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो एक ही सोर्स से आए हैं जी, और इसलिए सारी चीजें एक ही सोर्स तक लौटना भी उन्हें है, सारी नदियों को एक ही समुद्र में मिलना है। तो उस दृष्टि से तो अलग अलग नहीं है, लेकिन उसका जो क्राफ्ट है, उसकी जो आर्टिस्ट्री है, उसका जो फॉर्म है वो अलग अलग है। जैसे हमारा और आपका फॉर्म अलग अलग है, कॉन्शियसनेस सेम है। तो अगर हम लोग शुरू में ये समझ लें कि आर्ट हमें लाइफ को समझने में हेल्प करता है, बल्कि आर्टिस्ट के पास जो चीज होती है, जो जिसको प्रतिभा कहा गया है, जिसको क्रिएटिव जीनियस कहा गया है, आर्टिस्ट के पास ये जो चीज होती है वो एक स्पिरिचुअल मास्टर की तुलना में भी काफी आगे होता है। स्पिरिचुअल मास्टर को भी, स्पिरिचुअल जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी एक वक्त लगता है कि वो अपने ट्रू सेल्फ को समझे, लेकिन आर्टिस्ट उससे भी पहले पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी प्रतिभा का दूसरा नाम है इंट्यूटिव फैकल्टी, इंट्यूटिव जीनियस। ये आम लोगों में नहीं होता है। तो आर्टिस्ट इंट्यूट कर सकता है, आर्टिस्ट इमेजिन कर सकता है, जो आर्टिस्ट नहीं हो सकता वो थिंक कर सकता है। तो हमें इस बेसिक चीज को पहले ही समझ लेना होगा इस पूरे वर्कशॉप के पहले, कि थॉट और इमेजिनेशन दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, जब तक हम थॉट के गोलार्ध में रहेंगे, इसके वर्ल्ड में रहेंगे, तब तक हम लोग आर्ट को नहीं समझ सकते और लाइफ को नहीं समझ सकते। स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम आर्ट के वर्ल्ड में प्रवेश कर गए हैं तो स्पिरिचुअलिटी पीछे छूट गई है, क्योंकि हम उससे हायर डोमेन में प्रवेश कर गए हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है वो वो एक स्पिरिचुअल मास्टर की तुलना में काफी आगे होता है, जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट की परिभाषा कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। बिल्कुल, क्योंकि रवि सूरज चांद वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक नेचर ने अपनी वर्ल्ड बना रखी है। उससे आगे भी कोई हायर वर्ल्ड है जिसका भी संधान लोगों ने किया है, और अगर हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर और अल्बर्ट आइंस्टाइन के डायलॉग्स को पढ़ें तो उसमें ब्यूटी और इन्हीं सब चीजों पर बहुत दो तीन बार अच्छे अच्छे डायलॉग्स हुए हैं। अच्छा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आइंस्टाइन ने जब टैगोर से पूछा कि क्या ये दुनिया हमारे आपकी वजह से चल रही है या हम आप नहीं है तभी दुनिया चलती रहेगी, ये मेरी वजह से दुनिया है या दुनिया है जिसमें हम हैं, तो टैगोर ने कहा था कि द इनफाइनाइट पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन कॉम्प्रीहेंड्स द एंटायर यूनिवर्स, मतलब ये इस यूनिवर्स को हम संचालित कर रहे हैं, हमारी वजह से दुनिया है। इसको हम सभी समझ सकेंगे जब हम आर्ट के वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे, जब तक हम थॉट के वर्ल्ड में रहेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आर्ट की जरूरत है। इस तरह से आर्ट को देखना, हम लोग ज्यादातर टेक्निक में और उसके ज्ञान में, नॉलेज में रह जाते हैं, और जैसी अनुभूतियां आप बता रहे हैं आर्ट के साथ में, इसको हम कैसे, हाउ डू वी टैप इनटू दिस, हाउ डू, जो भी पूछा ना, सवाल पूछा उसी में ये उत्तर है कि हम लोग टेक्निकलिटीज में रह जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार अच्छी गायिकाएं बहुत अच्छा गा रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे तान ले रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, जितनी भी चीजें उनको सिखाया गया है या जिसका उन्होंने सारा जीवन अभ्यास किया है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है।
किसी ने बहुत अच्छा प्ले किया, किसी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, किसी एक्टर ने बहुत अच्छा अपना डायलॉग डिलीवरी किया, सब कुछ हुआ लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे कहा जाता है कि भाव इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप में फीलिंग्स होगी तो वो लोगों को टच करेगी। लेकिन हम उससे पहले बोल रहे हैं कि आप भाव का भी जब प्रयोग करते हैं तो भी इफेक्ट नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता है। और वो इफेक्ट कैसे आए, किसी का रियाज करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है आर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट में क्या है कि दुनिया में जैसा कि बताया गया है कर्म है फिर उसका फल मिलता है, आर्ट में ठीक इसका उल्टा है, पहले फल है फिर कर्म है। अच्छा। सबसे पहले उस फल के बारे में फील करना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, जिसको हम लोग आइडिया कहते हैं। और आइडिया आपके सेंस में नहीं है, वो कौंधता है हमारे भीतर। जैसे हम लोग अभ्यस्त ये जानने की कि हमारे कॉन्शियसनेस या माइंड के तीन प्लेन है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हमारे देश में भारतीय दृष्टि में इसके चार स्टेजेस हैं, पर्या, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। तो कॉन्शियसनेस में जो हम लोग की कौंधता है, जिसको हम एक्सेस कर पाते हैं, वो कौंध ही रहा है परा से, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस से। हमारे पास से तो आ ही नहीं रहा है, कहीं और से आ रहा है। पहले ही तो फल आ गया ना, इफेक्ट आ गया, पहले तो ईश्वर की कृपा हो गई। और ये सिर्फ आर्टिस्ट के साथ होता है, ये उसके पास नहीं हो सकता जो योग साधना और प्राणायाम की दुनिया में है या आम आदमी की दुनिया में। आर्ट की दुनिया इस अर्थ में बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि उसके पास पहली फल आ जा रहा है, पहली ट्रांसेंडेंटल स्टेट से उसके उसके जो माइंड है, या उसको हम अगर और पर्टिकुलर होके कहें तो ब्रेन है, क्योंकि ये माइंड नहीं है जिसने इमेजिन किया कि कोई ब्रेन है जिसमें उसने अपना सीट भी खोज दिया, ये माइंड का ही प्रोजेक्शन है, जबकि माइंड एक नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है, ट्रांसिएंट है। तो जो हमारा फिजिकल ब्रेन है, वहां पर हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि न्यू कॉर्टेक्स होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला, वहां पर वो फिजिकली काम कर रहा होता है, उसमें वो चीज कौनती है, स्पार्क होता है, ट्रिगर करता है, और फिर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं इस कॉन्शियसनेस के प्लेन पर, पश्यन्ति लेवल पर। उसका जब हम उसको थोड़ा सा भी दिखता है, कोई कलर आया, कोई लाइट आया, कोई साउंड आया, फिर जब हम सोच विचार शुरू करते हैं तो मध्यमा स्टेट होता है, फिर उसको हम आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर जब हम उसको आर्टिकुलेट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं उसको और एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले फल आया, फिर हमने कर्म किया, तो उसका इफेक्ट होगा, अदरवाइज कभी भी इफेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम इस रहस्य को समझ लें तो हमारा कर्म का हमेशा फल होगा। एक तरह से गौतम जी के इनर कोर्टयार्ड के मन में जो ये थॉट आया या ये जो आइडिया कौन दी कि इस तरह से हम लोगों को एक वर्कशॉप करना चाहिए, वो फल है और अब कर्म हो रहा है उसको लेकर, उसका इफेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। नंदिनी जी आप पूछें कि डांस के बारे में थोड़ा सा कुछ हमको बताएंगे गौतम। मैं आपसे पूछे, एक तो पहले, उसके पहले मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप जब आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या सभी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट नहीं है, अपने अपने अंदर एक आर्ट सभी में नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन की जो ये विधा है आर्ट, वो एक्सप्रेशन तो सभी लोग चाहते हैं। आई मीन वी रिकग्नाइज सम एज बिगर आर्टिस्ट, सम एज स्मॉलर आर्टिस्ट और दिस थिंग, लेकिन आर्ट तो सभी के अंदर ही है। एक्चुअली दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं जी। जैसे हमारे जीव और ब्रह्म में दो कहा गया, वैसे दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं। एक होता है जिनके पास नैसर्गिक रूप से कोई एक टैलेंट होता है, बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, बहुत अच्छा कारपेंटर हो सकता है, बहुत अच्छी उसके पास बुद्धि हो सकती है। एक वो नेचर ने सभी को एक गुण दे के भेजा है इस पृथ्वी पर, इसके लिए सुभाषित भी है कि संसार में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति ना हो, संसार में कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि की संभावना ना हो, संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो सर्वथा अयोग्य हो, अगर कोई दुर्लभ बैरियर है तो उसे जानने वाला। हर व्यक्ति में कोई एक टैलेंट होता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी होता है, उसका कोई सहोदर भाई भी होता है, वो होता है ईगो। कि जब कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई बहुत अच्छा वीणा बजा सकता है, तानपुरा बजा सकता है, सितार बजा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति बुरा है, तो हम लोग को लगता है कि इतना अच्छा आर्टिस्ट होकर के वो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो ये एक प्रकार का आर्टिस्ट हुआ जिसमें है कि आर्टिस्ट प्लस ईगो। और एक होता है आर्टिस्ट इन ट्रू सेंस, सबसे पहले उसने ईगो माइंड को हटाया है और आर्ट को आने दिया है, और ईगो या माइंड को उसने आर्ट के पावर से ही हटाया है।
और ऐसा हम लोग देखे हैं, आमतौर पर हम लोग ऐसे कई लोगों से मिले हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग पहले अपने अहंकार को हटाने में किया है। हम पंडित कुमार गंधर्व जी का नाम ले सकते हैं, पंडित किरुचर महापात्र जी का नाम ले सकते हैं, इन दोनों आर्टिस्ट से हम डायरेक्ट मिले हैं और वर्षों तक मिलते रहे हैं, और इन लोगों ने यही काम किया है। पहले वो अच्छे मनुष्य बने हैं, इसलिए वो ट्रू सेंस में आर्टिस्ट हुए, इसीलिए उन लोगों ने इनोवेट किया, क्रिएट किया, और कहा जा सकते हैं कि मौलिक रास्ते बनाए। ये मौलिक थे, मौलिकता, क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है न्यू एंड ओरिजिनल। तो ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक सरोवर है, जलाशय है, इसमें सीढ़ियां नहीं बनी थी, कुमार गंधर्व जी उसमें उतरे, सीढ़ियां बन गई और अब दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। वाह, किरुचरण जी से ऐसी ओडिसी में सरोवर में सीढ़ियां बनी, तो अब दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है ना। तो ये ओरिजिनलिटी जो आती है वो सिर्फ इससे आती है कि वो व्यक्ति कैसे इनिशिएटिव लेता है, किस मन से, किस भाव से लेता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है, और इन लोगों ने ऐसे दरवाजे खोले, जिसको मैं शुरू में ही बोला कि ऐसा दरवाजा हो सकता है क्या जिसमें बेटर आई सामने आए। अगर इनर कोर्ट यार्ड की इस वर्कशॉप में हम उस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाते तो फिर ये फेल्योर है, और अगर हम अपने डोर को हम ओपन कर पाते हैं, एक बेटर आई को फील कर पाते हैं इफेक्टिवली, तो फिर ये सक्सेस है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल थे या जिन्होंने सोचा, तो उसी के संदर्भ में मैं नृत्य की आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने कहीं आपका यूट्यूब में सुना कि आप कहते हैं कि जो तंत्र है, तंत्र से नृत्य की परंपरा शुरू हुई, या जो मुद्राएं हैं वो भी तंत्र, हाँ, मुद्राएं तंत्र से ले गई है। एक्चुअली हम लोग तंत्र वहां से शुरू करें कि तंत्र क्या है आज। तो आज हमारे तंत्र ये है कि तंत्र का दूसरा नाम है डर। लोग तंत्र से डरते हैं, तांत्रिकों से डरते हैं, और बचना चाहते हैं कि किसी तांत्रिक से सामना ना हो जाए, जबकि वो तंत्र का एक्चुअल मीनिंग नहीं जानती, इसलिए ऐसा है। तंत्र का मतलब होता है कि जो विजडम है उसका एक्सप्लेनेशन। जो वेद है, ज्ञान है, विजडम है, पंचम वेद है, नाट्यशास्त्र है, उसको जब कोई एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो व्यक्ति तांत्रिक होता है, और वो एक्सप्लेनेशन दैट इटसेल्फ इज तंत्र। तंत्र के लिए हमारे यहाँ निरुक्ति या एटीमोलॉजिकली हम लोग उसको समझते हैं, किसी वर्ड का ट्रू मीनिंग समझना हो तो उसको एटीमोलॉजिकली हम देखते हैं, इसका ट्रू मीनिंग क्या है, इसका वर्बल मीनिंग क्या है, अदरवाइज वर्ड मीनिंग हो जाएगा। तो वर्बल मीनिंग तंत्र का हमारे संस्कृत में ऐसे निरुक्ति बताई गई है कि तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। तन्यति शब्द का संस्कृत मतलब होता है तानना। जैसे सूत को तानते हैं और साड़ी बनाते हैं, तो जब ज्ञान को विस्तार देते हैं, तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र, ज्ञान को जब हम विस्तार देते हैं तो तंत्र है। तो ज्ञान को विस्तार देने की परंपरा में हमारे यहाँ कई चीजें आई, जिसमें एक है मंत्र, दूसरा मुद्रा, तीसरा मंडल। तो बुद्धिस्ट तंत्र को हमारे यहाँ सबसे प्राचीन माना गया है, उसमें गुह्य समाज तंत्र, गुह्य माने सीक्रेट, सीक्रेट लोगों का जो समाज है, उसमें ये चीज कहा गया है कि हास्य लास्य क्रियाशैव नवनाट्य रसान गीता। फिर है मंत्र मुद्रा। तो यहाँ पर मुद्रा जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द की कॉइनिंग तंत्र में हुई है, और फिर तरह तरह की मुद्राएं हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ज्योमेट्री है, जिसके लिए हम लोग ग्रीक मैथमेटिशियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया ने ग्रामर दिया और ग्रीस ने ज्योमेट्री दिया, तो हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने वहां से ना लेकर हमारे यहाँ पहले से ही मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, वो भी ऋषि मुनियों ने कहाँ से लिया, और कहीं से दिया नहीं, अपने भीतर से ही पहले ही लोगों ने वो जलाशय में सीढ़ियां बनाई। तो तंत्र में जो मुद्रा शब्द पहली बार कॉइन हुआ, फिर वो मुद्राएं बताई भी गई, और उन्हीं मुद्राओं का शास्त्र रचा गया, जिसको हमारे यहाँ मुद्रा शास्त्र, शिल्प शास्त्र कहा जाता है, जो IGNCA से पब्लिश भी है, शिल्प शास्त्रम। तो मुद्राएं सबसे पहले तंत्र से आई है। हमारे यहाँ राग और तालों के नाम भी तंत्र से दिए गए। सबसे पहले जो राग शब्द आया है, ये 7th century में आया है, नाट्यशास्त्र में राग नहीं था। ये 7th century में जब कर्नाटक में हम्पी नामक एक जगह पे मतंग मुनि हुए हैं, सुरुचि जी आप तो जानती ही होंगी, आप म्यूजिक से हैं, तो मतंग मुनि ने अपना ग्रंथ लिखा बृहदेशी, तो उसमें उन्होंने राग शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, और उसमें जो राग और तालों के नाम है वो तंत्र की शब्दावलियां हैं। अच्छा, तो हाँ, तो डांस के जब डांस जो एकेडमिकली पढ़ाया जाता है, वहां अधिकतम लोग पीछे तक जाते हैं, नर्तन निर्णय तक जाते हैं,
नृत्य निर्णय से पहले किसी शास्त्र तक नहीं जाते हैं और जाना चाहिए तो पता हाँ। चलता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि तंत्र से हम लोग को क्या मतलब है, दर्शन से क्या मतलब है, यहाँ तक कि आर्ट में भी आप देखिएगा एक आर्ट फॉर्म को जो बिलोंग करता है व्यक्ति वो दूसरे आर्ट किसको नहीं जानता है ना। जैसे एम एफ हुसैन पेंटर हुए हैं वो निर्मल वर्मा को नहीं जानते थे, निर्मल वर्मा बहुत अच्छे लेखक हुए हैं लेकिन पंडित रविशंकर को नहीं जानते थे उनका सितार क्या है। पंडित रविशंकर जी सितार बजाते थे लेकिन वो इनविट बर्गमैन या इंगमार बर्गमैन को नहीं जानते थे उनका सिनेमा क्या है। इंगमार बर्गमैन फिल्म बनाते थे लेकिन वो केलुचरण महापात्र की ओडिसी नहीं जानते हैं। तो कलाकारों के बीच में ये जो सेंस ऑफ सेपरेशन है वो एक्चुअली है नहीं। तो हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, वो कौन सा सोर्स है जहाँ से सारी कलाएं आती है, सारे आर्ट फॉर्म्स आती है, और वो हमारा इंडियन विजन है, इंडियन माइंड है। इंडियन माइंड जब हम उसको ग्रेटेस्ट फॉर्म में देखते हैं तो उसी को इंडियन विजन कहते हैं, या हम उसको सरल शब्द में हृदय या हार्ट कहते हैं, जिसके लिए सहृदय श्रोता, सहृदय दर्शक और कलाकार तो सहृदय होता ही, उसकी जरूरत होती है सहृदय। तो ये तो जो आप बात कर रहे हैं वो शास्त्रीय पक्ष की बात कर रहे हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत हुआ, शास्त्रीय नृत्य हुआ, लेकिन नृत्य तो जैसे वो हृदय का उद्गार भी होता है ना, जैसे लोक संगीत होता है या लोक नृत्य होता है, दिया गया ना, जैसे किसी के मन में खुशी है और डांस करने लगा है ना, फिर उसी चीज भाव को देख करके कि मनुष्य जो है नृत्यरत है, डांसिंग फॉर्म उसका भी एक इंसान का हो सकता है, इस बात को जब देखा गया तो डांसिंग फॉर्म उसको एक आर्ट का रूप दिया गया और उसे कई फॉर्म्स निकाले गए। हमारे यहाँ बहुत बड़े सीयर हुए काश्मीर में अभिनव गुप्ते जी, जिन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की कमेंट्री की है। तो वो अपनी अपना कोई भी ग्रंथ जब आरंभ करते हैं तो वो प्रणाम करते हैं सबसे पहले भैरव और भैरवी, काश्मीर में जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उनको भैरव कहा गया है और वर्ल्ड को माया नहीं कह के उसको उनका ग्रैंडियर कहा गया है, उसको भैरवी कहा गया है। तो वो जब भी आरंभ करते हैं अपनी प्रार्थना से तो वो कहते हैं नौमी देवीम शरीर स्थान तो भैरवा कृत्य है प्राविड़ में घने व्यो में विद्युत लेखा विलासिनी, मतलब तो मैं उस भैरव को प्रणाम करता हूँ जिसके नृत्य रथ देह में वो भैरवी है जो घटाटोप मेघ में विद्युत लेखा बिजली की तरह कौंधती है, ये उनकी प्रार्थना है। तो हमारे भीतर वो जो कौंधना है वो दरअसल प्रतिभा है जो भैरवी देवी के रूप में उनको वो जगह दिया गया है प्रार्थना के लिए। भैरव और भैरवी या ये सब जो हम लोग शिव और ये सब शब्द बोलते हैं ये दरअसल टेक्निकल टर्म्स हैं, ये किसी का नाम नहीं है, इसकी निरुक्तिगत मीनिंग है। शिव का मतलब है सुंदर, शम करो थी शंकर है, जो हमारे आवेगों का शमन करता है वो शंकर है। इस तरह से हमारे यहाँ देवताओं के भाव को शब्द मिले हैं, नाम नहीं है। वैसे भैरव जो है जिसमें भरण रवण और वमन की कोई गुण होते हैं उसको भैरव। हम लोग इतने डेप्थ में जाते नहीं है चीजों में, शास्त्र की जरूरत यही पड़ती है। तो कला की जरूरत, कला का रूप इस तरह से बना कि मनुष्य के भीतर जो नृत्य करने का उदात्त भाव है क्यों न इसको एक एस्थेटिक्स दिया जाए, ब्यूटीफुल रूप दिया जाए। तो यहाँ से एस्थेटिक्स जुड़ा, यहाँ से सौंदर्य का पक्ष जुड़ा, इसलिए कला के इतने रूप हमारे यहाँ पिछले 3000 सालों में सामने आए हैं। वाह गौतम जी, एक संगीत सीखते सीखते, गाना सीखते सीखते इतना समय लगता है और समझ में भी इतना फिर भी कम आता है। आप कह रहे हैं कि सारे आर्ट्स को जानना चाहिए, ऐसा कुछ हमारे शास्त्रों में है क्या कि हम लोगों को सब कुछ जानना चाहिए? हमारा जो भरत मुनि का नाट्य वेद है, पंचम वेद नाट्य शास्त्र है, दैट इज द कॉम्पेंडियम ऑफ ऑल आर्ट्स। ऑल आर्ट्स का मतलब है कि वो आर्ट जो अभी तक जिसका इनोवेशन भी नहीं हुआ है, जिसको हम लोग जानते भी नहीं है। ओहो, लोग कहेंगे वहां तो सिनेमा लिखा नहीं है, लेकिन वहां सिनेमा आर्ट के बारे में भी कहा हुआ है। जितने भी आर्ट के बारे में सोचा जा सकता है इस पृथ्वी पर, सबका वो शास्त्र है। अच्छा, है ना। आप कभी काशी आइए हमारे बनारस वाराणसी, तो आप यहाँ देखेंगे कि रात का समय है, गर्मी का दिन या जाड़े का, कोई मल्ला घाट पे बैठ के अकेली गा रहा है, उसने किसी से सीखा नहीं है, तो उसने कहां से जाना, उसके भीतर वो चीज हो रही है और वो उसको प्रकट कर रहा है, वो उसका मन कर रहा है गाने का तो गा रहा है अपने आप। तो ये जो अपने आप है ये सबसे सुंदर चीज है। तो जब कोई व्यक्ति एक कला रूप को सीखता है, किसी शिल्प में पारंगत होता है, तो उसके अंदर सिर्फ उस कला का, उस शिल्प का शिल्प वैशिष्ट्य आता है। हाँ। लेकिन उसके अंदर प्रतिभा होती है
वो दूसरे कलाओं को भी सीख सके, दूसरे शिल्पों को भी जान सके, यहाँ तक कि दूसरे विज्ञान को भी जान सके। वो मैथमेटिक्स भी उतना ही अच्छा समझ सकता है, लेकिन जो जिस इंस्ट्रूमेंट से वो आर्ट को जान रहा होता है उस इंस्ट्रूमेंट की ओर उसका ध्यान नहीं होता, जिसको मैंने शुरू में ही बोला दैट इज इंट्यूटिव विजडम। अगर आप थॉट के रास्ते से जाएंगे तो आप एक कला के व्याकरण में पारंगत होंगे, अगर आप इंट्यूटिव विजडम के रास्ते से जाएंगे तो ये ऑल इंक्लूसिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इसके पूरे वर्ल्ड को आप जान लेंगे, बल्कि पूरे वर्ल्ड को ही आप जान लेंगे और ट्रांसेंड भी कर जाएंगे। तो मैं बार बार जो इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि आर्टिस्ट के पास एक इंट्यूटिव फैकल्टी होती है, इंट्यूटिव विजडम होता है जिससे वो क्रिएट करता है, जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, जो थॉट से बिल्कुल अलग है, यहाँ तक कि ड्रामेटिकली ऑपोजिट। So you are saying, Gautam ji, that the whole purpose of art is to hone or polish this intuitive wisdom which is already inside us? The whole purpose of art is to transcend the life which is in the control of nature. Okay. And when an artist or we transcend our nature, which is full of jealousy, hatred, ego, greed, want to love, want to be loved, enviousness, that affects our art. So the whole purpose is to transcend this nature and then attain that blissful state, and that is possible and easiest when we enter into the domain of art. Beautiful. Gautam ji, as a singer, many times I feel, or a musician, or even a consumer of music, I feel that the same similar type of vocal cords everybody has. सबके पास में बोलने की शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन ये स्वर कहाँ से आता है संगीत में? कैसे somebody is able to produce a melodious sound? It's difficult to understand. Actually, कि क्या ये तो कोई नहीं जान पाया कि संगीत कहाँ से आता है, और ये मान लिया गया है कि ब्रह्मानंद सहोदर है, माने एक ही सेम प्राइमरी सोर्स से ही आता है। लेकिन जो हमारे मास्टर्स थे, ग्रेट मास्टर्स, उन लोगों ने सिर्फ ऑब्जर्व किया, उन्होंने ह्यूमन स्केल्स को, वोकल कॉर्ड के स्केल्स को महसूस किया, कि ये सुरों को महसूस किया कि सात सुर होते हैं। लेकिन जैसे बाहर का व्यक्ति जानता है कि सात सुर होते हैं, सात सुरों से गाया जाता है, लेकिन जो म्यूजिक की दुनिया का आदमी होता है वो जानता है कि सात सुरों से नहीं गाते हैं लोग कोई गाना, तो 12 सुरों से भी नहीं गाते बल्कि 36 सुरों से गाते हैं। 36 सुर एक कलाकार के पास होना चाहिए। तो जो लोग इससे परिचित नहीं है उनके लिए सिर्फ हम उल्लेख कर रहे हैं कि जो 7 सुर होते हैं वो उसमें फिर हम लोग उन स्वर, जो शुद्ध स्वर रहते हैं उनको ही कह रहे होते हैं, है ना, षड् विधि शब्दांतर मध्यम पंचम धैवत और निषद, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। इसके साथ 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर और जुड़ जाता है तब वो 12 स्वर हो जाते हैं, है ना, षड्ज है, और उसके बाद फिर कोमल ऋषभ, फिर उसके बाद कोमल गांधार, फिर तीव्र मध्यम, फिर कोमल धैवत, तो कोमल ऋषभ। ऐसा करने से 12 स्वर होते हैं। फिर ग्रेट मास्टर्स ने देखा कि फिर हमारे लोगों में स्केल्स अलग अलग होते हैं, तो 3 स्केल भी उन लोगों ने निर्धारित किए, मध्य मंद्र और तार, तो ये फिर 12 × 3 = 36 हुए। जिनके पास 36 सुर हैं वो गा सकते हैं। फिर उन लोगों ने पाया कि 2 सुरों के बीच में 22 श्रुतियां होती हैं। तो ये जो अध्ययन है, इस अध्ययन का ये फल हुआ कि हम लोग फिर उनका प्रयोग करना भी जानने लगे। अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि 7 रंग हैं, 7 सुर हैं, है ना, तो 13 सब एक होंगे, जब 22 श्रुतियों को भी हम जानते हैं और 36 स्वरों को भी जानते हैं। जी, जैसे एक ध्रुपद गुरु जी हैं हमारे, उन्होंने बताया कि एक सुर के भी 7 भेद हैं, माने कोमल, फिर कोमल तम, फिर अतितम, फिर माने, और वो हम सुन भी नहीं पाते। जिसको हम गा नहीं सकते, हम तो उसी को गा सकते हैं जिसको हम सुन सकते हैं। जी, क्योंकि गूंगा वही होता है जो बहरा होता है। किसी बच्चे के कान में पहले ताली बजा के उसको वो किया जाता है कि उसको पहले सुनाई दे, जब वो सुनाई देता है तब वो रोता है, सब लोग जानते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, है ना। तो someone has asked, I think someone young has asked, that can we simplify a little more
for them to understand? Or if not in this workshop, then could you have another Zoom session or on YouTube where you can simplify what is being said? So I think हम थोड़ा सा अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके हमारी बात. आप क्या सोचते हैं गौतम जी? आप म्यूट हो गए. नो, मैंने तो म्यूट किया नहीं है. हाँ हाँ, अभी आवाज जा रही है क्या? जी जी, मैं तो जो होस्ट है उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल है, वही किसी को म्यूट कर सकते हैं. तो ही इज द लॉर्ड, ही इज द बॉस. So, should we talk about the, like हम आगे के जो छह workshops हैं उसके अंदर can we particularly talk about each of the workshops and what will it contain for public to for people to look forward to? We must talk about. So हमें लगता है कि ये आप लोगों ने किया है कि शायद सुरुचि जी बताना चाहेंगे क्या किन किन विषयों पर हम लोग बात करेंगे. अभी तो हम लोग ओवरऑल बात कर लिए. सुरुचि प्लीज इफ यू कैन आप बता सकते हैं. तो सुरुचि जी से मैं ये कहना चाहूंगा, सुरुचि जी आप मुझे सुन रही है ना? जी जी जी, हाँ जी. अभी हम लोग जो ओवरऑल बात ये की है कि ऑल इंक्लूसिवनेस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आर्ट का. हाँ जी. तो अब हम लोग अलग अलग एपिसोड अगर किसी एक चीज पर लेंगे तो हाँ जी. एक आर्ट के पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, वो कैसे हाँ. लेंगे वो क्योंकि आप बताएं. ये हम पूछना चाहते हैं आपसे गौतम जी कि जैसे अलग अलग आर्ट के फैकल्टीज पे हम अलग अलग सेशन रखेंगे, तो क्या ऐसा है कि पेंटिंग वाले को सिर्फ पेंटिंग वाला ही वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए या म्यूजिक वाले को सिर्फ म्यूजिक वाला ही? आपने अलग अलग क्यों बात करने जा रहे हैं इसको पहले समझ लें. हाँ. जैसे कोई म्यूजिक सीखता है हाँ. तो उसको पहले एक स्वर के बारे में बताते हैं ना जी. एक साथ सभी स्वरों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि सारे स्वरों का तो उपयोग होना है ना या प्रयोग होना है. उसको एक स्वर समझाने के लिए बताते हैं या उसके और गहराई में जाने के लिए बताते हैं. जैसे हम लोग हाई स्कूल में जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें साउंड पढ़ते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, इंटर में भी सेम पढ़ते हैं, बीएससी में भी सेम पढ़ते हैं, एमएससी में भी सेम पढ़ते हैं. लेकिन वही थर्मोडायनेमिक्स और डीपर और डीपर डीपर होता रहता है. यस यस, तभी हो पाता है जब हम उसको सिर्फ एक प्रयास उसको मास्टरी करते हैं, तो मास्टर ऑफ आर्ट होते हैं ना. तो अभी हम लोग ओवरऑल जो आर्ट की बात किए हैं तो जाहिर है कि हमने कहा कि सभी ऑल इंक्लूसिवनेस का एक आर्ट दूसरे को इंक्लूड करता है. Yes. तो जब हम लोग सेपरेटली एक आर्ट को देखने जाएंगे ये भी देखेंगे कि वो दूसरे आर्ट को इंक्लूड करता है कि नहीं करता है. इस पर हमारे यहाँ विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अग्नि पुराण में बहुत सुंदर कहानी कही गई है कि एक लड़का एक ऋषि के पास गया, बोला कि मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूँ. उसने बोला बिल्कुल ठीक है मैं सिखा दूंगा, तो उससे पहले पेंटिंग सीख के आओ. वो कहाँ सीखने को मिलेंगे? तो बोला उस वन में, उस कुटिया में उस ऋषि के पास है. जब वो पेंटिंग सीखने गया तो बोला कि ठीक है सिखा देंगे, पहले तुम डांस सीख के आओ. तो वो उसको अलग एक ऋषि के पास गया, फिर वहां से डांस सीखने गया तो पता चला उसको स्कल्पचर सीखना होगा. स्कल्पचर सीखने गया तो बोला पहले इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा. इंस्ट्रूमेंट के पास गया पहले वोकल सीखना पड़ेगा. जब वो लौट के आया तो वो सारे आर्टिस्ट को आ चुके थे, उसकी एक्टिंग भी आ चुकी थी. ये कहानी बनाई ही गई है बताने के लिए कि जब हम पेंटिंग पर बात कर रहे होंगे तो जो वोकलिस्ट है वो भी उससे उतना ही लाभान्वित होगा जितना कि एक चित्रकार. गौतम जी, जैसे नाट्य शास्त्र पे थोड़ा सा अध्ययन हो रहा था मेरा, जो मेरा डिसर्टेशन का विषय था नायिका भेद, तो उसमें कुछ ऐसी कहानी आई कि आर्ट्स हमको ईश्वर ने किसी दूसरे पर्पस के लिए दिया हुआ है और ये पंचम वेद है, जो सारे आर्ट्स हैं वो इफ यू स्टडी सम आर्ट देन यू विल गेट एक्सेस टू द नॉलेज विच इज कंटेन्ड इन द वेद्स. तो ऐसा है क्या? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें समझना है ईश्वर ने सही में दिया है या नहीं या कुछ और? नहीं, हमको ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि when the world was overcome with ego and anger and deceit, ऐसे सिचुएशन में लोगों ने कहा था. हाँ जी, उसमें कहा गया है तो दुनिया में ये व्यभिचार बढ़ गया था, अराजकता बढ़ गई थी, तब उन्होंने कहा.
तो उसके लिए फिर समुद्र मंथन नाटक भी हुआ और उसमें अपने ही भीतर के असुरों का परिचय हुआ। अच्छा। और फिर उन लोगों ने कहा कि आप देवताओं को विजयी करवा रहे हैं असुरों के ओर, तो फिर नहीं तो हम लोग विघ्न डालेंगे। तो उसके लिए फिर वहां पर एक वो आया कि नहीं, हम लोग आपको पहले प्रणाम करके तभी नाटक शुरू करेंगे। सारी कहानियां उसमें बताई गई, लेकिन उसका जो एसेंस है उस पर जाना चाहिए कि नाट्यशास्त्र जो है वो उस तरह से नहीं पढ़ सकते हम लोग जैसे आज किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं। उसके मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स है और उसका जो एसेंस है वो यही है कि हम एक बेटर सेल्फ की ओर बढ़ सके। हमारे लाइफ में जो भी हमें तकलीफ है, या अगर तकलीफ है तो, या हमको तकलीफ सिर्फ अपनी नहीं होती दूसरों की भी होती है। कई बार हम लोग जब किसी कुत्ते या बिल्ली को भूखा देखते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो भी दुखी होते हैं ना। तो बुद्ध के पास अपना कोई दुख नहीं था, संसार का ही दुख था। तो जब किसी भी तरह से हम लोग व्यथित होते हैं तो वो एक बेटर सेल्फ ट्रेनिंग होता है हमारे पास। उसी बेटर सेल्फ को में होने के लिए आर्ट है, ये नाट्यशास्त्र कहता है। इसलिए उसमें और देवताओं और भगवान की बात भी इस तरह से कही गई है कि वो माइंड का प्रोजेक्शन नहीं है। भगवान माइंड ने अपने डर से प्रोजेक्ट नहीं किया कोई गॉड कोई स्टेट, बल्कि उसका अपना ही एक स्टेट है जो सिर्फ एक्टर जान सकता है। वो एक्टर है, नर्तक आत्मा कहा गया, शिव सूत्र है नर्तक आत्मा। जो आत्मा है वही नर्तक है। प्रेक्षाणी इंद्रियाणी, जो हमारी इंद्रिय है वही प्रेक्षक है। ओहो हो, रंगो अंतरात्मा, आत्मा जो है अपना रंगमंच खुद अपने भीतर एक इनर कोर्टयार्ड तय करती है। ये शिव सूत्र है रंगो अंतरात्मा, आत्मा जो है अपना रंग तैयार करती है, रंगमंच तैयार करती है, इनर कोर्टयार्ड तैयार करती है। बहुत सुंदर। और गौतम जी, आप जैसे ड्रामा को, नाटक को थेरेपी के तरह भी आपने इसमें काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो क्या इसी वजह से दैट मैंने एक्टिंग थेरेपी पे काम किया है? ड्रामा थेरेपी तो एक वेस्टर्न सोच है। एरिस्टोटल ने जो अपना नाटकशास्त्र लिखा था उसमें उन्होंने एक परगेटिव होने की चीज को कैथेर्सिस कहा था, कि आदमी जब एक्टर के साथ रोता है तो उसके भीतर की बहुत कुछ बह जाते हैं, तो कैथेर्सिस की जरूरत है। भारत में हमारे यहाँ इसको हमेशा सुखांत कहा गया, सुख की तरफ ले जाने वाला बोला गया है। तो जो ऑडियंस रोएगा तो उसका दुख नहीं बहेगा बल्कि उसका आनंद बहेगा। ये दोनों बहुत बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरह से हम अगर किसी को आनंदित कर दें अगर आर्ट के थ्रू, तो उसकी अपनी तकलीफें कम हो जाती है। उसके डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम लोग मेंटल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, स्पेशली डिप्रेशन है या उदास होना है, बहुत कुछ है जो भी हमारे न्यूरल साइंस से जुड़ा हुआ चीज है। तो आनंद जब हम देते हैं तो उसकी चीजें ये धीरे धीरे कम होने लगती, डिसॉल्व होने लगती। ये एक थेरेपी है। इसी विषय पर एक पार्टिसिपेंट कनिका जी ने पूछा है, आई हैव बीन एन आर्टिस्ट एंड यूज टू पेंट अ वाइल अगो, ऑफ लेट वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन बट समहाउ नॉट गेटिंग द मोटिवेशन टू गेट बैक, or rather I am not getting the courage, can you tell me how to overcome this? The artist's block jisko kehte hain, the writer's block kehen, artist's block. There are so many motivators on this earth, especially in India. They take money to motivate you. So ye humko ye dekhna chahiye ki hamare bhitar agar ye motivation kam ho gaya hai to jo pehle motivation aaya tha wo bhi illusion tha. Hamare life ke apne problems hain. We have been an artist, we have been a sufferer at the same time, at the same grace. उसी grace में हमारे पास एक भीतर से दूसरी परेशानियां भी थी। जब दूसरी परेशानियों ने सिर उठाया तब हमारा मोटिवेशन कम हो गया। हमने शुरू में ही बोला कि दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक आर्टिस्ट और एक वो व्यक्ति जो लाइफ में व्यक्ति होता है, और एक होता है वो आर्टिस्ट जिसमें व्यक्ति डिजॉल्व हो चुका होता है, वो सिर्फ आर्टिस्ट रह गया होता है। तो भारत में ऐसे ट्रू आर्टिस्ट की परंपरा रही है। तो अगर हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सके हैं, जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो मुझे हमें आर्ट की शरण में ही जाना चाहिए। आर्ट ही हमें मोटिवेट भी करता है। जैसे कि अगर हम निखिल बैनर्जी, हमारे देश में बहुत से सितार वादक हुए हैं जी। निखिल बैनर्जी पूरी रात डोवर लेन म्यूजिक फेस्टिवल में कलकत्ता में थे। उनका वो चूंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे तो उनको सबसे लास्ट में कहा गया, तो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक उन्होंने सितार बजाया। फिर वो अपने घर लौटे, प्रोग्राम खत्म हो गया, पूरी रात उनके साथ कुमार बोस तबला पे थे और लोग भी थे, अभिजीत बैनर्जी वगैरह, सब लोग आके उनके कमरे में लेट गए, सो गए, पूरी रात जगे।
निखिल बनर्जी फिर सितारे के बैठ गए। ओहो, क्योंकि दूसरे लोगों के पास ये भ्रम था कि वो सोएंगे तो वो रेस्ट मिलेगा, निखिल बनर्जी जानते हैं कि वो फिर सितार बजाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। क्या बात है। तो अभी जो आपने पूछा ये सवाल, उसमें सिर्फ यही है कि आप जो करती हैं, जो पेंटिंग आप बनाती हैं, उसके बारे में आप माइंड को मत लाइए। अभी हम लोगों ने इनर कोर्ट यार्ड की बात की, तो यहाँ इनर कोर्ट यार्ड से आशय हार्ट से है। हार्ट और माइंड में फिर एक वो है कि अगर आप माइंड में होंगे तो हार्ट में नहीं होंगे, हार्ट में होंगे तो आप अच्छा पेंट कर पाएंगे, माइंड में होंगे तो फिर मोटिवेशन लैक होगा। तो डोंट अलाउ माइंड इन योर हार्ट, तो और समझना है, डोंट अलाउ थॉट इन योर इमेजिनेशन। और ये समझ लीजिए कि थॉट और इमेजिनेशन में बहुत फर्क है। अक्सर ऋषि मुनि और संत लोग भी इसको ही इमेजिनेशन बोलते हैं, थॉट को ही, पूरा वर्ल्ड बोलता है लेकिन आर्टिस्ट कभी नहीं बोलता है। थॉट अलग चीज है, इमेजिनेशन अलग चीज होगा। जहां पर मोटिवेशन में लैकिंग है, जहां पर वरीनेस है, जहां पर चिंता है, जहां पर टाइम है, वो थॉट है। जहां पर स्पॉन्टेनिटी है, जहां पर रिफ्रेशमेंट है, जहां पर एंटरटेनमेंट है, जहां पर स्पॉन्टेनिटी है, वो आपका इमेजिनेशन है। फॉर एग्जांपल, इस प्रोग्राम के बाद मुझे घर का काम करने जाना पड़ेगा, दिस इज थॉट। और मेरे जो ये हथेलियां हैं, ये दो विंग्स बन गए चिड़ियों की, ये इमेजिनेशन है, वेरी सिंपल है ना। और मुझे इस प्रोग्राम के बाद इसको, अगर मैं होस्ट हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके फिर अलग अलग फोलियो में रखना पड़ेगा, फोल्डर्स में सारी चीजें, ये थॉट है। लेकिन हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो कमरा नहीं है, नाव और बहरा, ये इमेजिनेशन है। वाओ, इमेजिनेशन तुरंत होगा। अगर आप इमेजिन करने के लिए आपने एक सेकंड का भी वक्त लिया तो वो थॉट होगा। और अगर थॉट होगा तो आपको इमेजिन नहीं करने देगा। अगर आप इमेजिनेशन में होंगे तो माइंड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, थेरेपी हो गई। इसलिए मैंने, मेरा मैडम से अनुरोध है कि आप पेंट और कलर सब चीजों को लेकर इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जाइए, आप पाएंगे कि आपका मोटिवेशन गया ही नहीं था। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसी को लेकर नंदिनी जी, पेंटिंग के लिए आप कुछ पूछना चाह रही थी। इन्होंने बता ही दिया जो पेंटिंग के लिए मैं पूछना चाह रही थी, बट यस, मुझे यही लग रहा था कि ये हर दुनिया अलग अलग क्यों है। एक पेंटर्स की अलग दुनिया हो जाती है, स्कल्पचर्स की अलग हो जाती है। तो ये आपने इसका उत्तर दे ही दिया है। अगर आप फिर से इसको सिंपल शब्दों में बताना चाहें, राइटर्स ब्लॉक कहते हैं ना, एक राइटर का भी कुछ दिन जाता है, हु ब्लॉक्ड यू, ये तो देखिए जी, मतलब किसने आपको ब्लॉक किया है, राइटर्स ब्लॉक है तो आप ही ने किया अपने आपको ब्लॉक। हाँ, आई थिंक आप बोलते हैं ये आई कौन है, ये देखिए उसने ब्लॉक किया है। वही कभी सुख होता है, कभी दुख में होता है, दोनों ही प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है। और फिर आप माइंड के घेरे में आ गए, यानी आप पहले आर्टिस्ट नहीं रहे। माइंड के मकान में आप रहेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, कभी भी आनंद में नहीं रहेंगे। और हृदय के घर में रहेंगे तो आपका हमेशा आनंद है, वहां विलोम नहीं है, सुख दुख। तो आप जब आनंद की बात कर रहे हैं, आप आनंद की बात कर रहे हैं कि ये सारा आर्ट इज आनंद, तो कई हम जो पेंटिंग्स देखते हैं वो इतनी डिप्रेसिंग क्यों लगती है, या कई बार हमको कोई सैड सॉन्ग भी होता है, दुखी सॉन्ग होता है, तो वो भी इतना अपील क्यों करता है, तो इसमें आनंद कैसे मिलता है हमको? हाँ, क्योंकि दुख हमारा ही तो हिस्सा है ना। हाँ, किसी और का तो हिस्सा है नहीं, हमारा ही हिस्सा है, सब हमारी संतान है, हम उससे अलग नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो आनंद का सिर्फ एक लेवल है, वो ट्रू आनंद नहीं है, ब्लिस या एक्सट्रेस या जॉय नहीं है, वो हमें सुख दे रहा है जिसको हम आनंद कहते हैं। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस का कहा गया है, ये बनाया गया है, हम सिर्फ रिपीट कर रहे होते हैं। अजीब बात ये है कि हम रोते भी रहते हैं साथ साथ में सिनेमा देखते हुए, मगर उठ के नहीं चले जाते हॉल से कि ये तो बहुत हमको दुखी कर रहा है, हम जा रहे हैं। हमारे घर में जब कोई कुछ बोलता है तो उसके वचन हमें कितना तीर से चुभते हैं, और सिनेमा में जब ललिता पवार ऐसा करती हैं तो हम उसका आनंद लेते हैं। क्यों ऐसा, आप बताएंगे? घर में होता है तो हम घर के बाहर चले जाते हैं, कि वो आनंद का एक लेवल है, वो आनंद का लेवल भी नहीं कहेंगे, सुख का एक लेवल है जहाँ विलोम है। आर्ट हमें एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाता है, और हम चाहते हैं विलोम तो अपोजिट, अच्छा हम सीन देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने रियल लाइफ से
थके होते हैं और हम चाहते हैं दूसरे दुनिया में थोड़ी देर के लिए रहे, तो थोड़ी देर की वो दुनिया हमें उस रियल वर्ल्ड से अलग की हुई होती है, जिसलिए हमें उतना देर वो एक सुख देता है। तो रियल वर्ल्ड को ही अगर हम लोग सुखद बना लें, ये जान के कि हम सुख लाना चाहेंगे तो विलोम भी आएगा, ऑपोजिट भी आएगा, इसलिए हम सुख ना लाएं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली दुख ही है, वो गलती से वो सा आ गया है। हम लोग को आनंद को इसकी तरफ जाना चाहिए, आनंद का ऑपोजिट नहीं है। हाँ। और हमेशा ऐसे प्रयास करने चाहिए इसका ऑपोजिट ना हो, नहीं तो ऑपोजिट आएगा, आपके पास अभी मोटिवेशन है कल नहीं है, तो ऑपोजिट आएगा ना। तो आर्ट ये जो ड्यूअलिटी है और जो ऑपोजिट है, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, इसको पहले ट्रांसेंड कर देता तभी आप आर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक अलग होता है। हाँ जी, सॉरी आप बोलिए, मैंने इंटरप्ट किया। जितने भी सवाल पूछ रहे हैं वो माइंड के कोर्ट यार्ड से पूछ रहे हैं, हार्ट के कोर्ट यार्ड से नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए शुरू से मैं एक ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माइंड और हार्ट, थॉट और इमेजिनेशन, इनको इसको अगर हम फर्क नहीं करेंगे और अभी से ही हम अगर हार्ट की दुनिया में नहीं आएंगे तो हमारे सवाल हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे जो बार बार लोगों को परेशान करते हैं और हम लोग को लगता है ये सवाल जेन्युइन है। नहीं गौतम जी, ये तो आपको बताना पड़ेगा हमको कि हम माइंड से हार्ट में कैसे आए, हम नहीं जानते इसको। माइंड से हार्ट में जाने का जो रास्ता है वो योगी बताते हैं, है ना, जो हाँ। योग प्राणायाम ध्यान आदि आदि करते हैं। हाँ। जो आर्टिस्ट होते हैं वो हार्ट से आरंभ ही करते हैं, माइंड छूट गया रहता है। उसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अभी यहाँ रहिए, जो मैंने पहला वाक्य बोला था, क्या सारे लोग यहाँ हैं जी, है ना। अगर हम लोग इस मोमेंट में यहाँ हैं, यहाँ होने का मतलब अपने पूरी बीइंग से होना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट नाउ में रहना। लेकिन आर्टिस्ट कहता है कि प्रेजेंट नाउ में किसके साथ रहना, तो आर्टिस्ट कहता है कि प्रेजेंट नाउ में आप एक लिविंग प्रेजेंट के साथ रहते हुए उसको सेलिब्रेट करते हैं, तब आप आनंद में होते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन आर्ट में जाता है, ये एक ट्रू आर्टिस्ट का जीवन होता है। तो आपने जो योगी की बात की, तो जो हम अगर हम ऋषि मुनियों को सुनते हैं या उनकी बातें पढ़ते हैं या किस योगी की बात सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो सब आनंद स्वरूप हैं। तो हम जब सब आनंद स्वरूप हैं, तो फिर वो एक डिप्रेसिंग पेंटिंग क्यों नजर आती है, या फिर दुखी गाना क्यों हमको अपील करता है? वहां पर पर्सपेक्टिव आ जाता है ना, एक तो देखने वाले का पर्सपेक्टिव आ जाता है, वो हाँ। कैसे देख रहा है। जैसे मान लीजिए कि दो बहनें हैं, अलग अलग घरों में रहती हैं, और बाहर बादल आया सावन के, तो एक बहन जो है वो मचल जाएगी, अपने बॉयफ्रेंड को फोन करेगी कि हम लोग कहीं घूमने चले, रोमांटिक लगेगा, और दूसरी बहन दुखी हो जाएगी बादल देख के, उसको फोटो डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत लाइट पसंद है, उसके जीवन में पहले से दुख है, तो बादल बेचारे का क्या कसूर है, तो जिसने पेंटिंग बनाया। पर हमारा भी क्या कसूर, अगर हम सब आनंद स्वरूप हैं तो हमारे में ये अलग अलग भाव है। ये बोल कौन रहा है, ये कभी भी ऋषि नहीं बोलता, ये योगी बोलता है, ये सन्यासी बोलता है। हम लोग इसको ही फर्क कर लें कि हम लोग ऋषि मुनि साधु संत योगी और सन्यासी बोल देते हैं, तो उनमें डिफरेंस है। ऋषि का मतलब आर्टिस्ट, अच्छा, ऋषि का मतलब देवता, ऋषि का मतलब विद्वान, ऋषि का मतलब कवि, ऋषि का मतलब दाढ़ी बाल बढ़ाया हुआ ध्यान बैठा, वो नहीं, वो योगी है, वो रास्ता लगे, वो स्पिरिचुअल पाथ है, वो आर्ट नहीं है, उसमें कई जन्म लगते चले जाएंगे। जिसे सन्यास संसार को छोड़ा है वो सन्यासी है, जो शांत है वो संत है, जिसे मौन की तपस्या किया है वो मुनि है। सब चीजें अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है हमारे, हम लोग जनरल वोकैबुलरी में सब बोल जाते हैं। हाँ। हम लोग बोल देते हैं कि अभिनव गुप्त ने उसकी बहुत अच्छी, उसका भाष्य लिखा है नाट्य शास्त्र का, शंकराचार्य ने बहुत अच्छी टीका लिखी है गीता की, जो उन्होंने लिखी नहीं है। शंकराचार्य का जो है वो भाष्य है, अभिनव गुप्त का वो वृत्ति है, रामचरितमानस की टीका, हर शब्द डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। हम लोगों ने मुख अशुद्धि इतनी ज्यादा कर ली है, कोई भी चीज कहीं बोलते रहते हैं, इसलिए लिंग्विस्टिक्स का अपना एक मतलब है, हम लोग उसी शब्द को बोलें जो हम जानते हों, जिस जो हमारे रियलाइजेशन में हो। ऋषि का मतलब कवि, पोएट, और जब वो पोएट्री को विजुअल पोएट्री बनाता है तो उसको नाटक कहा गया है, दृश्य काव्य। जब दृश्य काव्य में नाटक भी है, दृश्य काव्य में सिनेमा भी है, लेकिन सबसे पहले वो काव्य आता है, क्योंकि कवि है। कवि वही होगा जिसका मानस ऋषि जैसा हो। क्या एक पेंटर का मानस ऋषि जैसा होता है, जिसने वो ग्लूमी पेंटिंग बनाई है जो आपके लिए पॉइग्नेंट फीलिंग एटमोसफियर क्रिएट कर रहा है?
अच्छा, मतलब जहां से क्रिएशन हो रहा है वो जगह कौन सी है, सोर्स क्या है जहां से ये पीस ऑफ आर्ट आ रहा है? जहां से क्रिएशन हो रहा है उसकी जगह है ईगो, जहां पर एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की इच्छा है, रातों रात पद्मश्री और साहित्य अकेडमी नोबेल और ऑस्कर पाने की जो कहते हैं उद्विग्नता है, जहां पर हम चाहते हैं कि दूसरे का षड्यंत्र करके पीछे छोड़ दें, हम आगे निकल जाएं, इसके लिए हम रात भर टेलीफोन करते रहते हैं कि उसको काटो उसको काटो ये सब करो, जहां पर लालच है, जहां पर घृणा है, जहां पर ईर्ष्या है, ये वो सोर्स है। इसी के लिए तो आर्ट हमको दिया गया और हम यही पाने की कोशिश करते हैं। हमें प्रतिभा दी गई, आर्ट नहीं, इसके लिए हमें क्रिएटिव जीनियस दिया गया, प्रतिभा, कि हम सबसे पहले इस असुर से लड़ें, पहले इसको ठीक ठाक करें, वाइप आउट द माइंड, माइंड को ही पहले नलीफाइड कर दें, स्टिल्ड कर दें, कि माइंड की बात नहीं सुनेंगे। प्रतिभा दी गई है। हाँ जी, प्रतिभा का मतलब है कि आप सीधे एंटर कर जाएं अपने इनर कोर्टयार्ड में, हार्ट के, प्रतिभा का मतलब है। ये हार्ट से लेके एक प्रश्न आया है स्मिता जी का, शी सेज आई थिंक द चंद्र नाड़ी ब्रीदिंग विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विल हेल्प टू एक्टिवेट द हार्ट, इज दैट सर? देखिए, ये तो अब दूसरी भाषा में हम चले गए हैं कि हमारे प्रकार तीन इनविजिबल नाड़ियां होती है जिसको क्लिनिकल डायग्नोज नहीं किया जाता है, ठीक है, वहां पर ईड़ा और पिंगला, जिसको सूर्य और चंद्र कहा गया है, इसको इसको छूने की जरूरत नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच में एक नाड़ी होती है जिसको कहते हैं सुषुम्ना, के लिए जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मनु की अवधारणा रखी है कि ईड़ा और श्रद्धा के साथ मनु, मन का मनु का मतलब है वो मानस जिसका सिंबॉलिक प्रतीकात्मक चरित्र है, वो ऐसा मानस जहां पर ईड़ा और श्रद्धा या ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियों का वर्चस्व न रहे, यानी कि नेचर की गिरफ्त में हम ना रहे, उसको हम ट्रांसेंड कर चुके हों, तो वो ईड़ा को चंद्र और पिंगला को सूर्य कहा गया है, सूरज और चांद हमें चला रहे हैं और उससे हार्ट को, लेकिन वहां पर हार्ट भी इनविजिबल है, वो अनाहत चक्र है जो सेंट्रल पॉइंट है हमारे यहाँ पर, जो छह चक्र हैं वहां पर, सभी लोग जानते होंगे कि मूलाधार है, स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र, आगरा चक्र और सहस्रार है, तो ये योगियों की व्यवस्था होती है, वो दोनों नाड़ियों को कंट्रोल करके सुषुम्ना में लाते हैं और सहस्रार में जाते हैं, आनंद का वैभव जो उनके पास आ जाता है। ये आर्टिस्ट की दुनिया नहीं है, आर्टिस्ट के पास 12 चक्र होते हैं। अच्छा, बस वो 6 चक्रों की व्यवस्था नहीं होती है, और ये 12 चक्रों की बात आचार्य शारंग देव ने संगीत रत्नाकर के पहली चैप्टर में रखा है, वह 7 अध्याय, पहले अध्याय में ये बात कही गई है कि आर्टिस्ट की चीजें इस तरह से चलती है, वहां पर अलग अलग 6 के अलावा भी और चीजें आती हैं, जिसमें सोम चक्र है, मनस चक्र है, ललना चक्र है, उन चक्रों में जाते हैं। तो ये जो प्रश्न आया है ये माइंड की ओर से आया है और ये उस हार्ट की बात नहीं हो रही है, जो कला का हृदय होता है, इसको मैंने हिंदी में बोला सहृदय। सहृदय को इस तरह से हमारे यहाँ परिभाषित किया गया है कि वो बोला गया कि जिसके पास मन की अशुद्धि ना हो, विमल प्रतिभानशाली हृदय, चात्र प्रतिभा अधिकारी चात्र, हाँ अब आया उसकी निरूपति, अधिकारी चात्र विमल प्रतिभानशाली हृदय, वही व्यक्ति कला का अधिकारी है जिसकी प्रतिभा विमल है। विमल मतलब जहां कोई इंप्यूरिटीज ऑफ माइंड नहीं है, जब इंप्यूरिटीज ऑफ माइंड नहीं है तो वही हार्ट है, तो हम माइंड से जब हार्ट पे चलते हैं तो ये योग साधना होती है, और जब सीधे हार्ट में आते हैं तो ये कला साधना होती है। तो इसको हमारे यहाँ कहा गया कि प्रतिभा, हमारे यहाँ कहा भी गया कि शिष्ट प्रतिभा, प्रतिभा आपके पास है नहीं चाहिए, शिष्ट प्रतिभा चाहिए, कि आप बहुत अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे एक्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, लेकिन क्या आप शिष्ट भी हैं, इंसान भी आप शिष्ट हैं, अच्छे हैं? तो हमारे शिष्ट प्रतिभा कहा गया है, इसीलिए कहा गया विमल प्रतिभा। आपका मन निर्मल है वो तो नहीं है, मन में तो इतने सारे चीजें पड़े हैं कि हमको पद्मश्री कब मिलेगा, और आप प्रतिभा उस हिसाब से तो आज की दुनिया में बहुत ही कम आर्टिस्ट हैं, बिकॉज 95% आर्टिस्ट थे, 5% संख्या थी सामान्य, अब हमारे यहाँ 5% ट्रू आर्टिस्ट थे, 95% लोग ऐसे, ये पलट गया है संख्या का, बस है आज भी यही बैलेंसिंग तो जारी रहेगी ना। वाह, 95/5 का बैलेंस। शेक्सपियर कहते थे मैं सिर्फ 5% के लिए नाटक लिखता हूँ, 95% के लिए नहीं। लवली।
I think that 5% seems to be here with us today. 5% जो है वो quality है. 5% quality है, 95 में तो quality ही नहीं है ना. तो अगर एक में quality है और एक में या 10 में quality नहीं है तो एक तो हमेशा श्रेष्ठ हुआ ना. जी. इसको हम नहीं समझते हैं. Inequality सीखने के लिए आजकल एक नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, आर्ट अप्रिसिएशन. तो व्हेन वी से आर्ट अप्रिसिएशन, व्हाट डू वी मीन बाय आर्ट अप्रिसिएशन? तो हम क्या हम टेक्निकलिटी सीख रहे हैं और आर वी लर्निंग टू ओपन अप आवर हार्ट्स टू अंडरस्टैंड आर्ट? हम ये सीख रहे हैं कि जो कंप्यूटर है या जो एंड्रॉइड है, दैट कैन नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ सनसेट. इसको ह्यूमन आर्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है वही सिर्फ अप्रिशिएट कर सकता है. Wow. सबसे पहले गंगा नदी पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, हवाएं चलती हैं, तो उसको ह्यूमन माइंड ही, ह्यूमन हार्ट ही अप्रिशिएट कर सकता है. ब्यूटीफुल. चिड़िया गाती है या जो कुछ भी नेचुरल ब्यूटी है, उसको कंप्यूटर अप्रिशिएट नहीं कर सकता, कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकता. उसकी लिमिटेशन को हम सीख रहे हैं आर्ट अप्रिसिएशन. हमको अप्रिसिएशन में क्या सीखते हैं, ये जो हम अप्रिशिएट करना सीखते हैं इस तरह से, क्योंकि हम कभी दूसरे के गुणों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है वो हमसे बेहतर कैसे गा रहा है, वो हमसे सुंदर क्यों है, वो गोरा है हम काले क्यों, हम कंपेयर करते हैं. वो तबला बजाता है हम नहीं बजा सकते, हम उसके सामने तो बोलते हैं लेकिन भीतर से एक्सेप्ट नहीं करते हैं. दैट इज ट्रू. तो एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है अप्रिसिएशन. हाँ. एक प्रश्न और है गौतम जी यहाँ पे. हमारे पास अभी 15 मिनट और हैं इस सेशन के लिए. इन्होंने, लावण्य जी ने पूछा है, प्रणाम, इज पेन एन इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी आर्ट, स्पेशली एक्टिंग? ये हमारे यहाँ काफी दिनों से बोला जाता रहा है कि पेन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट. कि पेन नहीं होगा, जैसे संगीत में भी कुछ लोग कहते हैं कि विवादी स्वर भी जरूरी है, तभी उसके चमक आती है, खुशबू आती है. सो ब्यूटीफाई करने के लिए विवादी स्वर लगाते हैं. तो ये वेस्टर्न अवधारणा भारत में आया है कि पेन इज इम्पोर्टेंट. भारतीय अवधारणा है कि पहले पेन ही हटेगा, पहले पेन ही हटेगा. वाह. फर्स्ट यू हैव टू वाइप आउट ऑल दी सफरिंग्स, ग्रीव्स, एगोनीज एंड पेन. Oh, beautiful. Then only we can trace the true notation of heart. Okay, heart में जो संगीत चल रहा है उसको हम सुन नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि अपने पेन में मशगूल रहते हैं. पेन भी कई प्रकार के हैं, बॉडीली हैं, मेंटल हैं, और भी सबकॉन्शियस पेन हमारे पेन्स होते हैं. तो पेन जो होता है, लोग पेन का यूज करते हैं, लेकिन वो फिर दूसरी दुनिया है. हम पेन के बगैर जब होते हैं तो ज्यादा अच्छे ढंग से, क्योंकि हमने अभी उदाहरण दिया दो बहनों का ना, एक बहन के पास पेन है, उसको बादल भी ग्लूमी लग रहा है, फोटो डिप्रेशन हो रहा है, उसको लग रहा है बादल बादल की वजह से सूरज निकले, और दूसरी बहन रोमांटिक हो जा रही है, तो उसके भीतर पेन नहीं है. लेकिन जैसे कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, तो क्या मतलब अच्छा साहित्य या अच्छी कला पेन से ही शुरू होगी? बिल्कुल. और लेकिन मैंने भी इस पर ऐसे सोचा है कि जब वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो उसके जो शुरू में उसने मां निषाद करके कहा है कि तो योगी होगा पहला कवि, तो बाद में भवभूति ने किया, लेकिन भवभूति ने उत्तर रामचरितम में ये भी बताया है वो कहानी क्या थी. जो निषाद ने तीर चलाया और जो कॉपलिंग स्टेट में थे चिड़ा और चिड़िया, वो एक मरा क्योंकि उसमें जहर बुझा तीर था, और दूसरा भी उसके वियोग में प्राण दे दिया. तो सबसे पहले तो दुख हुआ वाल्मीकि को, उसके बाद उनको गुस्सा आया क्योंकि तीर तो इंसान ने चलाया है, तो उनके मुंह से शाप निकला कि इस पृथ्वी पर जब भी मनुष्य प्रेम करेगा, प्रेम इंगित था उसमें कैसा प्रेम, तो उसको वियोग की पीड़ा हर युग में सहनी होगी, ये उनके मुंह से निकला. लेकिन उसको उनको इसका अफसोस नहीं हुआ. अचानक उनके दिमाग में ये कौंधा कि क्यों ना इस पर, इस आइडिया पर एक फिल्म तैयार किया जाए, एक कविता तैयार किया जाए. अमेजिंग. सरोवर में जा रहे थे और नहा के आए, और आके तुरंत वो कविता लिखने बैठ गए. और रामायण में उन्होंने यही दिखाया, राम और सीता का वियोग. सिर्फ उन्होंने राम और सीता का विरह या वियोग ही दिखाया है, इसलिए उनको कहा गया कि आदि कवि जो हमारा है वाल्मीकि,
वो भी योगी कभी। लेकिन हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ सब चीजों सारे लाइफ्स को रिस्पेक्ट किया गया है तो उन दोनों पक्षियों का क्या हुआ जिनके आधार पर उन्हें क्रिएटिव काम तो कर लिया, क्रिएशन हो गया, रामायण बन गया। लेकिन अगर हमारे यहाँ पुनर्जन्म की भी व्यवस्था है या अवधारणा है तो उन लोगों का जो लव था अनफुलफिल्ड, हाँ, वो कैसे फुलफिल होगा? हो सकता है कि वो लोग जो श्रेष्ठ जीवन है, उसको मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ माना गया है, ब्राह्मण जीवन को और माना गया कि श्रेष्ठ है, तो हो सकता है वो मनुष्य होके जन्म हो और अपने आप को फुलफिल करने लगे हो लव को, लेकिन वहां भी शाप मिला है कि उनको वियोग की पीड़ा सहनी होगी। तो उन दो सोल का क्या हुआ, इस पर मैंने फिल्म बनाई अनुबंध। ब्यूटीफुल अनुबंध फिल्म बनाई ताकि हम इससे भी आगे जा सके और वियोग को ट्रांसेंड कर सके, विरह को ट्रांसेंड कर सके, और प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम हो और हम वाल्मीकि के शाप से मुक्त हो सके। शाप मोचन ऐसा ही एक नाटक रविन्द्र ठाकुर ने भी लिखा है। वाल्मीकि ने शाप पर कहानी तो लिख दी, कविता लिख दी, लेकिन शाप मुक्त नहीं किया। हम लोग का काम है अब शाप मुक्त होना भी। गौतम जी, आपका आपके इस आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसकी इंफॉर्मेशन हम सारे पार्टिसिपेंट्स को और जो भी है बाकी सब जो इंटरेस्टेड हैं उनको भेज देंगे, बिकॉज सम पीपल आर आस्किंग दैट कहाँ हम देख सकते हैं ये फिल्म। और मैं उनसे ये निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज डू वॉच द फिल्म्स एंड ट्राई टू सी एंड ट्राई टू ऑब्जर्व और सी योर एक्सपीरियंसेस, because Gautam ji will explain, I think your style of filmmaking is absolutely different, Gautam ji. आप उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे क्योंकि अब हम सिनेमा पे आ गए हैं। There is a YouTube channel, Gautam Chatterjee, and my name is G-A-U-T-M, because in Bengal, all Bengali people, they write G-O-U-T-M. Yes. This is G-A-U-T-M-C-H-A-T-T-E-R-J-E-E. There is a only channel consisting of 200, more than 200 films. Oh, this is the sole purpose of mass communication. And I'm a communication people. I taught in Banaras University Mass Communication Department. So all films, these are all classic films. We will discuss what is classic cinema in our film chapter. Because we know there are only two kinds of film, commercial cinema and art cinema, but that is absurd, because there can be two kinds of cinema, that is classic cinema and cinema in general, because all cinema is commercial cinema, commerce is included in all cinema, but classic cinema or poetic cinema is entirely different, and the age of this poetic cinema or classic cinema is very short. Though the 100 years, we are celebrating 100, more than 100 years of world cinema from 1897 till date. But the age of classical cinema is too little. So what is classical cinema? And I'm sharing my poetic vision through this classical cinema, this particular genre. And there we can find so many things. And I have developed a certain kind of cinema language that is now termed as Twilight cinema. We will discuss what is Twilight. This is the term from our language, our seer language, Twilight, Sadhya Bhasha. So what can be a Twilight cinema? Please go through and don't share your experience, but your observation, how you observe. Because when you experience, it is not experiencing. It is not present continuous tense. When you experience, then it is past. So you are again back in the mind. Time, past, pain and mind are same. Mind, pain, past, time are same. So you just observe. So in order to observe a thing, you need to be on the present moment. You have to celebrate. So you will be in your heart, in your inner core. Any more questions? Which should be the next session now? We need to tell the viewers the next session on which particular form of art would we be doing that? Is it on? Bataiye Suruchi. Yeah, Gautam ji, if you also are in agreement, we could start with 8th or 9th December, Wednesday or Thursday, 2 days consecutively.
So, can we take dance on the 8th and then music on the 9th? Yes, yes. Yeah, but and in that session, we will have one guest artist who will be a proficient dancer or a musician. Yes, Shambhavi Shukla has given her consent for this program. Yeah. Yes. Shukla is a very good dancer. She is a disciple of Rajendra Gangani from Jaipur Gharana of dance, Kathak dance. Okay. She is a very good dancer and ambassador from India. And she stays in Delhi, New Delhi. And she has given her consent for this program to be the last special guest in the last few minutes or 10 minutes. So we will be honored in her grace. Okay. Nandini ji? Anji. Any more questions from the participants who are here? Would they like to know anything more? Because some people have really given beautiful comments saying that wonderful thoughts and expressions Neena ji has said. And somebody else also has said that all that Gautam ji has been saying is applicable to very many things. Absolutely. Har jagah ye apply hota hai. Jo hum keh rahe the shuru ke andar hi ki art reflects life or vice versa. So wahi ho gaya ki hamari jo zindagi hai wo art se influenced hai aur art is influenced with life. So yes, hum agle session mein nritya pe aur sangeet pe baat karenge. अगले टू सेशंस में डांस पे बात करेंगे ना, पहले डांस पे डांस डांस एंड म्यूजिक. सो दीस विल बी द टू सेशंस इन 8th एंड 9th ऑफ दिसंबर. व्हाट इज इट, व्हाट आर द डेट्स? 8th एंड 9th ऑफ दिसंबर. ओके, वेडनेसडे एंड थर्सडे. ऑलराइट, ओके. सो वी मस्ट थैंक टिल देन वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच जो आपको ये मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे जो गौतम जी का चैनल है उसके ऊपर. हम जरूर देख के थोड़ी सी और तैयारी के साथ आपसे फिर आगे संवाद करेंगे. थैंक यू सो मच. यहाँ पे सब पूछ रहे हैं कि विल वी गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन. सो आई थिंक द पीपल हु हैव अटेंडेड दिस सेशन वुड लाइक टू गो ओवर दिस सो दैट थोड़ा प्रेपरेशन सबका रहे, क्योंकि बहुत ही अलग दृष्टिकोण और इतने अलग तरह से गौतम जी इसको अप्रोच कर रहे हैं और इस पे लाइट दे रहे हैं दैट प्रोबेबली वी ऑल्सो विल टेक सम टाइम टू कम फ्रॉम द माइंड टू द हार्ट. वेर एवर द माइंड इज वेर एवर द हार्ट इज. सो आई थिंक द होस्ट कैन हेल्प वन हु इज asking about the recording of this program. Yes. So I think anyone can find the recording. If it's sure. Ongoing recording now. Okay. So, Nandini ji. This was very, very enlightening, very interesting. And waiting for the next sessions now. To understand in more depth. Aaj humne general baat kari hai. Ab jab aap ek ek art ke baare mein baat karenge, toh I'm sure it is going to be extremely interesting and also very matlab hamara heart bhi khulega thoughts ke sath sath heart bhi khulega. aur aapko lagta hai ki gana gaate gaate hum shayad painting karne lagenge. painting karte karte gana gaane lagenge aisa bhi jeevan mein move karte samay bhi music hota hai. hamare yahan kabir sahab kehte hain ki chinti ke paon mein ghungru baje so bhi sahib sunta hai. क्या बात है. तो प्लीज एक्सेप्ट माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू गौतम जी फ्रॉम ऑल ऑफ अस ओवर हियर एंड इन द कोर्टयार्ड. अ बिग थैंक यू टू यू. थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते. नमस्ते.